क्या आप खुद के ऊपर प्यार नहीं करते हो और उसके लक्षण कौन से होते हैं? एक है कि खुद की आलोचना करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद की फिक्र नहीं करना, खुद के बॉडी की चिंता नहीं करना, खुद के बॉडी की फिक्र नहीं करना। हम हमारे बॉडी के विश्वस्त हैं और हमारे बॉडी की केयर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वो नहीं केयर करते हो इसका मतलब ही आपके ऊपर प्यार नहीं करते हो। फिर जो रिश्ते हैं तो वो रिश्ते अच्छे नहीं है तभी भी आपको चलता है, ठीक है यार चलता है, अच्छे रिश्ते नहीं तो भी चल जाता है, इस तरह का आप बर्ताव करते हो। क्या आप अपने सपने जो है वो साकार नहीं हुए तभी आपको चल जाता है, जो आपको चाहिए वो मिलता है तभी चल जाता है? क्या आपको अपराध बोध की भावना आती है कि नहीं मुझे अपने बारे में बहुत गिल्टी लगता है, अपराध बोध की भावना, गिल्ट, या आप अपने आप को दोष देते हो? या क्या आप कंफर्ट जोन अपना जो है, आरामदेही जोन जो है, जो एरिया अपना, वो छोड़ना नहीं चाहते हो? जो चल रहा है वो चलने दो, भले वहां तकलीफ है मगर वो छोड़ना नहीं चाहते हो कंफर्ट जोन। या आप चीजें आगे ढकलते हो, प्रोक्रास्टिनेशन करना है, कल करेंगे कल करेंगे ऐसा आप करते रहते हैं, मालूम है कि आपको यहां से बेनिफिट मिलने वाला है तभी भी आप नहीं करते हो। क्या आपको बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं, निगेटिव थॉट्स? क्या आपको ऐसा है कि आपको अपनी फीस चार्ज करने के लिए या पैसा मांगने के लिए, अपना जो हक का पैसा है, जहाँ आपको लगता है कि जो मैंने इतनी सेवा दी है उसकी फीस मिलना चाहिए, तो उतनी मांगने में अपने को हिचकिचा जाती है और आपको कम फीस चल जाती है, या बड़ी फीस मांगने के लिए आप हिचकिच करते हो? क्या आप अपने लाइफ का छोटा गेम लेते हो, बड़ा गेम नहीं खेलते, छोटे टारगेट्स लेते हो? या क्या आप लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या अपने बारे में सोचेंगे, ये जजमेंट में कंटिन्यूसली वो फिर वो चिंता में आप रहते हो? यदि ऐसा है तो आप अपने ऊपर प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने सक्सेस के बीच में आ रहे हो, क्योंकि ये सभी जो बिलीव्स है, ये सभी जो विचार है वो आपके आगे बढ़ने में बहुत बीच बीच में आ रहे हैं। आपको कहाँ तक कहीं भी वो अटक के रख रहे, कहाँ तक भी पकड़ के रख रहे विचार, और आपको आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसा पाया गया है कि 8% लोग ही, 8% लोग ही अपने लाइफ में बहुत समाधानी रहते, खुश रहते हैं। 92% लोग अपने लाइफ में समाधानी या खुश नहीं रहते। ऐसा क्यों? लोगों को ऐसा जब पूछा तो हमको ऐसा क्यों, क्या पीछे खींचता है, तो हमको दो बातें रहती है। एक है कि बाहर का वातावरण, परिस्थितियां, कि जो हमको रोक के रखती है और जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और दूसरा जो है वो अंदर का वातावरण, इनर सर्कमस्टेंसेस, जो आपको पकड़ के रखती है, पीछे पीछे खींचती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। क्योंकि हमारे जो अंदर के लिमिटेशंस है, अंदर के विचार है, तो वही बाहर हमको दिखाई देता है। जैसी हमारी दृष्टि रहती है वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है, जो हम सोचते हैं वैसे ही हमको आगे दिखता है, और हमारे विचार जो है वो एक्चुअली वास्तविकता तैयार करते हैं। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा अंदर हमारे विचार क्या चालू है, विचार कौन से हैं। जो भी हम निगेटिव विचार सोचते हैं, कोई भी निगेटिव विचार हम हमारे दिमाग में लाते हैं वो हमारे बॉडी में बीमारी लाते हैं। कोई भी निगेटिव विचार, एक भी निगेटिव विचार हो आपके बॉडी में वो बीमारी लाएगा। हम करीब करीब 50,000 से 80,000 थॉट्स रोज सोचते हैं, ऑटोमेटिक आते रहते हैं, हम सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चालू है चालू है चालू है चालू है। और उसमें उसमें से मेनली निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हमारे में आते रहते हैं, और वो हैबिचुअली वही 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 थॉट्स तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, हैबिचुअली वही थॉट्स आएंगे, रिपीटेटिवली वही थॉट आते जाएंगे। फिर क्या होगा, यदि वही थॉट है तो वही रिजल्ट मिलेंगे, वही रिजल्ट मिल रहे हैं तो वही थॉट आएंगे, फिर वही थॉट है तो वही रिजल्ट है, वही रिजल्ट है तो वही थॉट है, वो विशेष साइकिल में हम फंस जाते हैं। यदि हमको नए रिजल्ट चाहिए, नया आउटकम चाहिए, तो हमको थॉट्स बदलना होगा, थॉट्स नए लाने होंगे, और थॉट्स यदि हम नए लाते हैं तो डेफिनेटली हमको नए और बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अल्टीमेटली थॉट्स क्या है, जो हमारे दिमाग में जो चैटर चालू रहता है, चिक 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 चिक, छोटी आवाज हमारे दिमाग में चालू रहती है, एक उसको सीक्वेंस में लगा दो तो एक थॉट बन जाता है। जो शब्द जो आते रहते कंटिन्यूसली एक के पीछे एक, वो हमारा थॉट है। अब वो थॉट्स जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव थॉट रहते हैं। देखिए ना, आप जब सवेरे उठते हैं, आज देखो आप सवेरे उठे होंगे तो आपके दिमाग में पहला कौन सा विचार आया,
क्या ऐसा आप बहुत एंथुजियास्टिकली उठे कि नहीं आज तो क्या यार मजा करना है, बहुत जबरदस्त हमारा दिन जाएगा? नहीं, हम उठे क्या और थोड़े सोने मिलता तो अच्छा रहता था, क्या करूँ अभी बहुत आलस आ रहा है, अभी तो नींद पूरी हुई नहीं है, अब तो मुझे ये काम बाकी है वो काम बाकी है, जान दो उससे अच्छा मैं सो लूँ। और मतलब ऐसा डाउन ही हम उठते हैं, बहुत जोश से नहीं उठे, कोई पर्पज से हम उठते नहीं, क्या वो करना है मुझे इसलिए। समझो आपको एक आधी बार ऐसा होता है कि हमको कभी 5 बजे उठ के पिकनिक जाना होता है, देखो उस दिन कैसे उठते हैं, पिकनिक जाना है, बाहर घूमने जाना है, आउटिंग करना है, और सवेरे 5 बजे उठना पड़ेगा, देखो कैसा उठ जाएंगे। वैसा कि हम रोज उठते हैं, बिल्कुल ही नहीं। आप जब सोते हैं तो आप कौन से विचारों से सोते हैं? जब आप सोते हैं तब कौन से विचार लेके आप सोते हैं? ये टेंशन, वो टेंशन, ये अधूरा, वो अधूरा, ये विचार, वो विचार, वो लेके सोते हैं? यदि आप निगेटिव विचार लेके सोते हैं तो निगेटिव विचार हमने अंदर डाल दिया, एक बीज निगेटिव विचारों का बो दिया, वो चालू हो जाएंगे। आप सोए भी हैं तभी भी निगेटिव विचार चालू रहेंगे, आपको सपने ऐसे आएंगे, निगेटिव सपने, डरावने सपने, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो फिर क्या हम हमारे निगेटिव थॉट्स जो है, जो थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, क्या हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? जब जब हमें टाइम मिलता है तो बदल सकते हैं। समझो मैं ब्रश कर रहा हूँ सवेरे, तो ब्रश करते करते क्या मेरे में जो थॉट्स आ रहे हैं क्या मैं वो बदल सकता हूँ? क्या अच्छे थॉट्स, सकारात्मक विचार डाल सकता हूँ? क्या मैं ड्राइविंग करता हूँ तब कर सकता हूँ? क्या मैं बैठा हूँ तब कर सकता हूँ? कोई भी समय क्या हम पॉजिटिव थॉट्स डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। और फिर यदि हम पॉजिटिव थॉट डालेंगे तो डेफिनेटली जो भी कुछ होगा असर होगा हमारे बॉडी के ऊपर, तंदुरुस्त हम रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, और पूरा काम हमारा अच्छा कर सकेंगे। तो हमको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। नकारात्मक विचार आना स्थायी स्वभाव है हमारा। क्रिएट करना थॉट्स, वो हमको करना पड़ेगा और जानबूझ के करना पड़ेगा। फिर हम कौन से थॉट्स जानबूझ कर क्रिएट कर सकते हैं? एक तो हम कृतज्ञता के थॉट्स ला सकते हैं, हमको क्या मिला है, क्या ब्लेसिंग्स हमारे पास में है, वो थॉट्स ला सकते हैं। धन्यवाद दे सकते हैं जो भी हमारे पास में है उसके लिए, जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स हम बार 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 ला सकते हैं। तो आज से हमने ये करना है कि भाई जब जब मुझे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, तब मैं पॉजिटिव थॉट्स के बीज डालूंगा। एक निगेटिव थॉट यदि आ गया तो उसको कैंसिल करने के लिए मुझे 11 पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ते हैं और वो क्रिएट करने होंगे। निगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है, और वो हमको बार 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 क्रिएशन करना पड़ेगा ताकि जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे वो कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे, बीमारी से हम मुक्ति पाएंगे, हम बीमार कभी होंगे ही नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।